इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना रोलर कोस्टर राइड करने जैसा है। ये राइड रोमांचक और डरावनी दोनों है। जब रोलर कोस्टर ऊपर जाएगा तो आप एक्साइटेड महसूस करेंगे, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो आप डर जाएंगे। आप कितने भी भयभीत क्यों ना हो, बैठे रहने में ही समझदारी है और डर के मारे बाहर जंप नहीं करना है। बाहर कूदना एक रिपेयर ना होने वाला लॉस हो सकता है, जबकि बैठे हुए सवारी समाप्त करने पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यही हाल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट कराने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप एक्साइटेड होंगे, लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो आपको डर लगेगा। एक इन्वेस्टर के रूप में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप डरे हुए थे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप बहुत डरे हुए थे तब आपने क्या चुना। करेक्शन नॉर्मल है। इससे पहले कि कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए वेल्थ क्रिएट करे, यह कई अप डाउन से गुजरता है। अगर आपको डर लगता है और उसकी वजह से बेचने का मन करता है, एक बात याद रखें, मार्केट करेक्शन टेम्पररी है और ग्रोथ परमानेंट है। इनफैक्ट मार्केट करेक्शन कम प्राइस पर ज्यादा इन्वेस्ट कराने का एक अच्छा अवसर है, जो आपको लॉन्ग रन में अधिक लाभ देता है। रोलर कोस्टर हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड, सही ट्रैक पर बने रहना सही विकल्प है। इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज को जानने के लिए हमें अभी संपर्क करें। म्यूचुअल फंड्स निवेश बाजार के जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले निवेश पुस्तिकाएं ध्यान से पढ़ें।